हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MIUI 14 और Android 13 के अपडेट के बारे में। यहाँ पर ग्लोबल में बहुत सारे डिवाइस के लिए ऑलरेडी जो अपडेट है ना वो आ चुका है, और अब आप लोगों को जो अपडेट है ना कुछ डिवाइस के अंदर इंडिया में जल्दी ही मिलने वाला है, लेकिन वो जो अपडेट है वो आपके डिवाइस के लिए शो नहीं करेगा। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक दो सेटिंग है उसको यहाँ पर इनेबल करना है और एक दो बातों का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, तो कंप्लीट वीडियो को देखना। इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कौन कौन से डिवाइस के लिए सबसे पहले अपडेट आएंगे और कैसे आप लोग उन अपडेट को सबसे पहले यहाँ पर ग्रैब कर सकते हो। सो एंड तक देखना वीडियो को। वीडियो अगर आपको ये पसंद आती है सो आपको वीडियो को लाइक करना है। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 500 लाइक का, तो प्लीज यार आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लेना है अगर आप लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो। अब आपको पता होगा चाइना के अंदर अपडेट पहले ही आ चुका है और ग्लोबल में भी अभी कुछ ऐसे डिवाइस जिनके लिए ऑलरेडी अपडेट है वो आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से डिवाइस के लिए अपडेट आने वाले हैं और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी सेटिंग है उनको आप लोगों को यहाँ पर इनेबल करना है। तो रिसेंटली यहाँ पर ग्लोबल में पोको X4 GT जो डिवाइस है ना उसके लिए अपडेट है वो रिलीज किया गया है। जैसे कि ग्लोबल में रेडमी K50i सून डिवाइस है ना वो यहाँ पर मिलता है। सून तो मतलब कि जल्दी ही अपडेट आने वाला है, तो एक तो इस डिवाइस के लिए अपडेट आने वाला है और सेकंड पोको X3 प्रो इसके लिए भी अपडेट वो इंडिया में कभी भी आ सकता है। अगर आप लोग ये डिवाइस इंडिया में यूज करते हो तो यहाँ पर रेडी रहना। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं एक और डिवाइस के बारे में, तो वो आप लोगों को मिलता है Xiaomi 11 Lite NE 5G। तो इसके लिए अपडेट यहाँ पर ग्लोबल में आ चुका है सभी यूजर्स के लिए, इंडिया में भी जल्दी आने वाला है, और जो Redmi Note 10 जो डिवाइस है इसके लिए भी अपडेट है वो इंडिया में जल्दी ही यहाँ पर आ सकता है। और हमारा एक और पॉपुलर डिवाइस है Xiaomi 12 Pro, उसके अंदर भी अपडेट जल्दी ही आएगा, और Poco X4 GT। तो ये कुछ डिवाइस मैंने आपको बताए हैं जिनके लिए आपको अपडेट है वो जल्दी ही देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। तो अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी सेटिंग है उनको आप लोगों को यहाँ पर इनेबल करना है। सबसे पहले आप लोगों को अपनी सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है और माई डिवाइस का जो यहाँ पर ऑप्शन है उसको ओपन करना है। आपको यहाँ पर MIUI का लोगो मिलेगा, उस पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पर MIUI 13 का लोगो है ना वो आपको शो करेगा, तो इस पर आप लोगों को यहाँ पर 7 से 8 बार टैप करना है जिससे कि जो यहाँ पर स्पेशल फीचर है वो यहाँ पर इनेबल हो सके। पहले आपको यहाँ पर ओनली 3 से 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर 4 से 5 बार टैप करोगे यहाँ पर आप लोगों को ये जितने भी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको मोर की जो सेटिंग है, सॉरी मोर की सेटिंग में नहीं, आप लोगों को यहाँ पर अपडेट सेटिंग की जो है ना इसको ओपन करना है, और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है रिसीव अपडेट्स अर्ली, तो इसको आप लोगों को यहाँ पर इनेबल कर देना है। इससे होता ही है कि आपकी डिवाइस के लिए जैसे अपडेट रिलीज किया जाता है ना तो बाकी जो यूजर्स हैं उनके डिवाइस के लिए अपडेट बाद में आता है, आप लोगों को अपडेट है वो थोड़ा पहले मिलता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसके लिए जितना जल्दी अपडेट आता है ना उतना ही जल्दी अपडेट है वो यहाँ पर चला भी जाता है, तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को ये मिलता है कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। मेरा नहीं, किसी का भी टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको अगर लेटेस्ट न्यूज मिल जाती है कि इस डिवाइस के लिए अपडेट है ना वो आ चुका है तो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाता है कि कौन से डिवाइस के लिए अपडेट है वहां पर रिलीज हो चुका है, तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सेटिंग के अंदर अगर आप लोग चेक करोगे सो आपके डिवाइस के लिए अपडेट है ना वहां पर शो होगा। बाकी अदरवाइज एक बार अपडेट यहां पर जो चला गया है ना बाद में वो आप लोगों को एक हफ्ते के बाद में मिलेगा या फिर कभी भी मिल सकता है, वो यहाँ पर Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करनी थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपके डिवाइस के लिए अपडेट यहाँ पर आने वाला है या फिर नहीं, और मेरे से आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।